बेली फैट मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा मसला था, क्या आपका भी है? स्पेशली वो औरतें जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी के प्रोसेस से गुजरती हैं। मुझे भी ऐसा लगता था कि पेट तो कभी कम ही नहीं हो सकता, जितनी भी एक्सरसाइज कर लें पेट कभी कम नहीं होगा। बट ऑफ कोर्स आई वाज रॉन्ग। बहुत सारे लोग बहुत गलत तरह की डाइटिंग करते हैं, कीटो, कैलोरी काउंट, साउथ बीच, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने अपने इस वेट लॉस की जर्नी में एक चीज सीखी है। आप कभी बैठ के सोचे, सुबह से लेकर शाम तक हम अपनी बॉडी को कितना गलत खाना देते हैं। जब आप अपनी सुबह की आगाज एक गलत चीज से करते हैं तो पूरा दिन आपकी बॉडी वो ही गलत खाना मांगेगी, विच इज कार्ब्स। सो अपने दिन का आगाज प्रोटीन और फाइबर्स के साथ करें। और अगर बहुत वजन कम करना है तो इंटरमीडिएट फास्टिंग को अपनी जिंदगी में लेकर आए। जब आप इन दोनों चीजों को एक साथ लेकर आएंगे, इंटरमीडिएट फास्टिंग, फाइबर्स और प्रोटीन, ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू लूज वेट। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग की। इस तरीके को अपनाने से ना सिर्फ मैंने अपना पेट कम किया बल्कि मैंने अपना फैट इंचेस में लूज किया। वेट लॉस के साथ साथ इंटरमीडिएट फास्टिंग के और बहुत सारे फायदे हैं। ये ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरपिगमेंटेशन, इन्फ्लेमेशन सब चीजों को ठीक करती है। इंटरमीडिएट फास्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने 16:8 फॉलो किया, जिसका मतलब है इसमें आपको 16 घंटे इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है। अगर आपने रात का डिनर 8 o'clock लिया है, सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करके 12 बजे दोपहर को आप अपना लंच लेंगे, जिसका मतलब है दोपहर के 12 बजे आपके 16 घंटे पूरे हो गए। और रात का डिनर 8 o'clock कि खाने की विंडो सिर्फ 8 o'clock, रात का डिनर 12 o'clock, सुबह का ब्रंच, दैट्स इट। एंड नो स्नैकिंग इन बिटवीन। पानी, ग्रीन टी, कॉफी, चाय विदाउट मिल्क एंड शुगर इज अलाउड। आई नो इंटरमीडिएट फास्टिंग कैन बी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल। अक्सर लोगों को माइग्रेन, हेडेक्स और वीकनेस फील होती है, जिसकी वजह से वो इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं कर सकते। मुझे भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन आई स्टार्टेड टेकिंग यूरिमाटे। यूरिमाटे हैज़ अ लॉट ऑफ मिनरल्स, विटामिंस, अमीनोज एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि आपको ताकत देते हैं और बहुत इजी कर देते हैं आपकी फास्टिंग को। और क्योंकि हमने डिसाइड किया हुआ कि हमने हाई प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट लेनी है, जो कि थोड़ा मुश्किल तो है। अब कितना सलाद काटें और उसे कितना सलाद खाएं, क्योंकि मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, तो इसलिए मैं सिंपली ये बैलेंस लेती हूँ जो कि फाइबर्स हैं। मैं खाने से पहले ये फाइबर्स लेती हूँ जो कि मुझे फुल रखते हैं, और इसकी वजह से मैं कम खाती हूँ। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये मेरे इंसुलिन एंड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं। डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, हैव हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर डाइट, यू कैन लूज अ लॉट ऑफ वेट। सो नो मोर बेली फैट, यस, लिव हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ।